हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हरियाणा पुलिस जो मेल कॉन्स्टेबल का आपका एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग अपडेट है। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में रिजल्ट के रिगार्डिंग और फिजिकल के लिए हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट। तो आप सभी को पता है जो आपका हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आएगा आपका, वो आपका रिजल्ट आएगा 19 और 20 तारीख के आसपास, ठीक है। आज तारीख कितनी है, 14 तारीख है। रिजल्ट जो आएगा आपका 19 या 20 तारीख को आएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के ठीक 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल जो है ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, 14 तारीख है आज, 19 और 20 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि 5 से 6 दिन ये है और 3 से 4 ये दिन है। तो लगभग आप मान लीजिए आपके पास 9 से 10 दिन है आपकी फिजिकल के लिए, ठीक है। कट ऑफ के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों के भी 45 से ऊपर नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी अपना कर सकता है स्टार्ट। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 45 से ऊपर बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बन रहे हैं और 45 से ऊपर क्वेश्चन ठीक है, तो आप बेशक से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 9 से 10 दिन अभी भी आपके पास बचे हैं। और फिजिकल के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कुछ बच्चे जिनको नॉलेज नहीं होती है वो फिजिकल में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आप सभी को पता है क्या है सबसे पहले तो गलती, वो आप सभी को पता है कि 12 मिनट जो आपका टाइमिंग है 2500 मीटर आपको रेस लगानी है, ठीक है। जैसे ही आप पीएसटी के लिए जाएंगे वहां पर ऐसा नहीं आपको एक साथ भगाएंगे, आपको चिप दे दी जाएगी। जैसे ही आप उस लाइन के कॉन्टेक्ट में आएंगे आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका एक टर्निंग पॉइंट आएगा स्प्लिट टाइम, उसके बाद आपका फाइनल है। एसआई के रिजल्ट के भी मैंने एक वीडियो डाल दी थी जहां पर आपको बताया था। तो कुछ से बच्चे यहां पर 200 नैनो सेकेंड से भी रहे हैं, 200 सेकेंड यानी कि 200 सेकेंड भी नहीं तो सेकेंड यानी कि सेकेंड का भी बिलियंथ जो हिस्सा है उससे फिजिकल में रह गए हैं। किसकी वजह से, चिप की वजह से, ठीक है। नाम मात्र सा एक अक्षर बोलने में इतना समय लगता है, उतने समय से फिजिकल के लिए बच्चे रह गए हैं। तो आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि जो आपका टाइमिंग है 11 से 11:30 के आसपास आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर फिजिकल की जो तैयारी करें उनके पैरों में दर्द होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें लेनी है, आपको कैल्शियम और मल्टीविटामिन, ये आप ले सकते हैं। कैल्शियम और मल्टीविटामिन के आपके कैप्सूल्स आते हैं। आपको करना क्या है, कैल्शियम का डेली एक कैप्सूल लेना है जिससे आपके जो पैरों में दर्द होता है वो नहीं होगा यदि आप ये लेते हैं तो, ठीक है। और मल्टीविटामिन यदि आप सुबह शाम रेस करते हैं, जैसे ही आप रेस करते हैं तो एक कैप्सूल मल्टीविटामिन का सुबह एक शाम को ये ले सकते हैं आप। यदि ज़्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मूव वगैरह का आप स्प्रे वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए। और एक बात बता दूं, आप सभी को पता है जैसे आपका 2500 मीटर की रेस है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही इतना दम लगा देते हैं कि बीच में ही उनका रुकना पड़ जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करने हैं उनको लंबी रनिंग करनी है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसके बाद अपना टाइम स्टार्ट करना है। और जिस दिन आप फिजिकल देने जाएं आपको बिल्कुल तेजी से नहीं भागना है, ठीक है, स्लो मोशन से। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा आपको शूटअप बीच बीच में लगाना है, और जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप से अलग नहीं होना है। कई बार जब आप रेस लगाएंगे आपके मन में आ जाएगा कि एक बार की हम रुक जाएं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं, जब हम एग्जाम में देने गए थे पीएसटी, जो अपना सीपीओ का देने गए थे, हमारा तो खैर 1600 था, आपका 2500 है, तो 2 से 3 बार मन में आता है बस बहुत हुआ, आप मेरे बस की नहीं है, रुक जाते हैं। यदि आपने उस टाइम पे यदि आप रुक गए तो आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस टाइम को यदि आपने ओवरकम कर लिया कि नहीं मुझे नहीं रुकना है, किसी भी दम हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, या 2500 की तो बात है, ठीक है, रेस के बाद देखी जाएगी जो होगा, ठीक है, 1 से 2 बार आपके मन में आएगा लेकिन आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो नए बच्चे होते हैं आपको बताएंगे कि रेस से पहले इंजेक्शन ले लेना, स्टीरॉयड ले लेना, रेस तेरी हो जाएगी, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ऐसी गलतियां बेशक नहीं करना। जब बच्चे आप इंजेक्शन लेने जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे जब आप रेस करेंगे तो आरबीसी लेवल आपका बढ़ जाता है। तो वहां पर जब हमने देखा सीपीओ में भी कुछ बच्चे इंजेक्शन लगा के भागे थे,
आपको साफ पता लग जाएगा कुछ बच्चों के मुंह में से ऐसे झाग आए थे, बुरी हालत हो जाएगी आपकी, ठीक है। इससे अच्छा तो आपका फिजिकल ना हो तो वही अच्छा है, तो लाइफ के साथ मत खेलिए, ऐसी गलती आप मत कीजिए। इंजेक्शन और स्टीरॉयड का आपको यूज नहीं करना है, जो आपके अंदर ताकत है उसका आपको यूज करना है, ठीक है। केवल आपके पास एक ही दिन का समय बचा है, एक दिन में आप ताकत लगा देंगे वही आपका बेस्ट है इसकी वजह, ठीक है। तो ये चीजें आप कीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, कैल्शियम लीजिए और एक फ्रूट डेली लीजिए। हरियाणा वालों का क्या है, फ्रूट का मतलब क्या है, वो तो एक बनाना, ठीक है, केला ही उनका सब कुछ है। जब देखिए सुबह शाम भाई केला केला, केला के अलावा भी आपका फ्रूट होता है, फल होता है, तो आपको डेली एक फल खाना है जिससे आपको प्रोटीन विटामिन मिलते रहे, ठीक है। प्रॉपर मात्रा में डाइट अपनी जरूर लीजिए, ठीक है। तो ये थी भाई रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट आपका 9 से 10 दिन है आपके फिजिकल के लिए। ये एक्सपीरियंस था जो मैंने अपना शेयर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।